दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि रेसलमेनिया 39 अब काफ़ी करीब आ चुका है और WWE ने भी इस इवेंट का जो स्टेज है वो भी काफ़ी शानदार तरीके से तैयार किया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस साल का जो रेसलमेनिया है वो हॉलीवुड थीम पर हो रहा है, जो कि लॉस एंजलिस के सोफाई स्टेडियम में है। और देखा जाए तो WWE ने भी कई हॉलीवुड फिल्म के कैरेक्टर का नकल करके इस इवेंट को प्रमोट भी किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में रोमन रेंस ने हॉलीवुड की एक पुरानी फिल्म यानी कि गुड फेलोस की नकल की थी और उसकी WWE ने अपने नेटवर्क पर वीडियो भी डाली थी, जिसमें रोमन रेंस जोए पेसाई का रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि WWE इस बार के रेसलमेनिया को एकदम हॉलीवुड के शो जैसा दिखाने वाली है। दोस्तों, अब ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि और क्या क्या WWE ने इस इवेंट में बुक किया है। वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार के रेसलमेनिया को लेकर। क्या दोस्तों, आप देख सकते हैं कि WWE ने किस तरह इस स्टेज को डिजाइन किया है। दोस्तों, ये देखने में काफी शानदार लग रहा है। जहाँ अगर देखा जाए तो WWE ने कुछ सीढ़ियाँ बनाई है एंट्रेंस रैंप पर और उन्होंने हॉलीवुड थीम के लिए उस पर रेड कार्पेट भी बिछाई है, जैसे कि आपको पता होगा किसी हॉलीवुड के अवार्ड सेरेमनी में जैसे होता है। दोस्तों, लेकिन अभी ये स्टेज पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन इसको देखने के लिए बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर कैसा होने वाला ये रेसलमेनिया का स्टेज, आपको तो रेसलमेनिया में ही पता चलेगा। दोस्तों, बात करते हैं रेसलमेनिया 40 की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रेसलमेनिया 40 यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। दोस्तों, लीजन ऑफ रॉक एपिसोड में कंपनी के जो फॉर्मर राइटर हैं यानी कि विंस रूसो ने रेसलमेनिया 40 को लेकर कोडी के अपॉइंटमेंट्स की बात की है। दोस्तों, उनका कहना है कि अगर कोडी को जीत मिलती है रोमन्स के अगेंस्ट इस मैच में, तो जो रोमन रेंस है वो लंबे टाइम के लिए ब्रेक पर चले जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में अपना रिटर्न करके कोडी को चैलेंज करने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो रेसलमेनिया 39 को WWE बहुत खास और यादगार इवेंट बनाने की पूरी तैयारी में लग गई है। और खैर, ये तो समय ही बताएगा कि अमेरिकन नाइटमेयर जो कि नए चैंपियन बनते हैं या नहीं, या ट्राइबल चीफ का जो टाइटल रहना है वो अभी भी जारी रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोडी रोड इस बार चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तब तक के लिए सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।